हाँ सोफे पे बैठ के ट्रेडिंग वो अपने जो है गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो सोफे पे बैठने से क्या नुकसान हो जाता है कुदरत के हिसाब से, ये बांझ पैदा हो गई जिसको किन्नर बोलते हैं, बियती नहीं है। और अगर ये बियती नहीं है तो ये व्हाइट आइज है या डार्क आइज है कुछ भी है, ये 6000 की बकरी है मटन के बाद कट्टू में सिर्फ 200-250 रुपए किलो वाली, ये इसकी सिर्फ एक ही पहचान है कि ये बकरी रिपीटर है, मतलब हीट पे आती है क्रॉस होती है लेकिन बच्चा धारण नहीं करता, तो अब कोई इलाज नहीं है, वैसे 90% इलाज नहीं है लेकिन 10% लोग गर्भ धारण करने के लिए अंडे बनाने के लिए जो नाड़े होती है वो नाड़े ब्लॉकेज हो जाती है गर्भ ठहरने, हाँ गर्भ ठहरने के लिए। जो मैं क्या बोलूंगा झूठ बोलना है तो भाई एक महीने की लोडेड है, 7-8 हजार में लाता हूँ ठीक है, और यहाँ से 20,000 में बेचता हूँ तो मेरे को तो बच्चा दे दिया मेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी मैं पिपाड़ के आसपास के गांव हैं उनमें घूम के वीडियो बना रहा हूँ, आपको अच्छी जानकारी जो पुराने किसान हैं कई सालों से कर रहे हैं उनसे जानकारी जुटा के आपको दे रहा हूँ इस सीरीज में। तो अभी फिलहाल मैं हूँ पंचाराम जी चौधरी के पास, तो हम इनसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो बांझ बकरी होती है जो मतलब उसकी पहचान के बारे में बात करेंगे। जो नए फार्मर होते हैं वो बकरी दिखती अच्छी है दिखने में और अच्छे पैसे दे के खरीद लेते हैं ताकि वो अच्छे बच्चे देगी और फिर उसकी अच्छी देखभाल करते हैं, उसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं लेकिन वो बच्चे देती नहीं और फिर उनको कट्टू के भाव देनी पड़ती है। तो ऐसे में किसान फंसे नहीं, बकरी की पहचान उनको पता होगी ये बकरी बांझ है जन्म देगी आगे, वो हमें इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि इनके फार्म पर ये बकरी है फिलहाल और इनको कई सालों का एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी, मैं पांचाराम चौधरी, स्वागत है आपका भी और अपने व्यूवर्स का। वो भाई साहब मैं आज बताने वाला हूँ एक बांझ बकरी की पहचान। आजकल क्या होता है सर, ऑनलाइन बकरियां ज्यादा बिकती है, हाँ लोगों के पास टाइम भी कम है और हाँ सोफे पे बैठ के ट्रेडिंग वो अपने जो है गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो सोफे पे बैठने से क्या नुकसान हो जाता है वो मैं अभी बताता हूँ। ये एक मेरे पास बकरी है अपनी घर की जाई जन्मी बकरी है, पता नहीं कुदरत के हिसाब से ये बांझ पैदा हो गई जिसको किन्नर बोलते हैं, पूरी किन्नर भी नहीं है, दिखने में ये किन्नर नहीं दिख रही लेकिन इसकी कुछ एक लक्षण है उनसे मालूम पड़ता है कि ये किन्नर है और ये कभी भी आएगी नहीं। तो लोग कितने दिन की हो गई है? दो दांत हो गई बकरी, मतलब क्रॉस होने लायक हो गई, चार दांत हो गई साहब, चार दांत हो गई। अच्छा फिर तो अभी बच्चा दे देनी थी अब तक, अब क्रॉस नहीं हो रही है मैं खुद देख रहा हूँ। तो लोग बाग क्या करते हैं कि ऐसी बकरी का एक अकेली बकरी का यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं कि टॉप क्वालिटी माशाल्लाह हैदराबादी बकरी व्हाइट आइज स्पॉटलेस गुलाबी सब कुछ बोलते हैं, हेल्थी क्योंकि बड़ा चढ़ा के दिखा के और उसको ऑनलाइन बेच देते हैं, जबकि ये बकरी बियती नहीं है। और अगर ये बियती नहीं है तो ये व्हाइट आइज है या डार्क आइज है कुछ भी है, ये 6000 की बकरी है मटन के बाद कट्टू में सिर्फ 200-250 रुपए किलो वाली, ये 250 रुपए किलो में बिकने वाली भी ऐसी होती है और ये उसी मुताबिक है और ये आखिर 250-300 में बिकेगी क्योंकि मैं दूंगा फेरी वाले को कट्टू वाले को, वो ले जाएगा अजमेर मंडी और अजमेर मंडी के अंदर ये बकरी वहां खड़ी रहती है तो वहां पे तोल पे बकरियां ये बिकती है और वहां से ले जाते कौन है, ऑनलाइन बेचने वाले, वो इस बकरी को अपने घर पे ले जाके बढ़िया अपने लोकेशन का वीडियो बना के और किसी को चिपका देते हैं। तो इसकी सिर्फ एक ही पहचान है कि ये बकरी रिपीटर है, मतलब हीट पे आती है क्रॉस होती है लेकिन बच्चा धारण नहीं कर गर्भ धारण नहीं करती। इसकी पहचान है इसकी पूंछ की चमड़ी मोटी हो गई, कैमरा नजदीक लाओ, इसके अंदर चर्बी की चर्बी फैल चुकी है और इसकी जो पूंछ है ना इसको दिखा रहे हैं कोई इसमें फर्क नहीं है, सिर्फ यही है कि इसकी पूंछ मोटा हो गया, पूंछ मोटा हो गया इसकी ये पहचान है। ये बकरी व्यक्ति कभी नहीं ना भी आएगी, तो मतलब देखने वाले को ये चीज देखना चाहिए, लोग बाग इस चीज का ध्यान नहीं देते, लोग आगे से शक्ल देखते हैं, गुलाबी देख लेते हैं, कान और नाक और आंख चमड़ी बाल हाइट वेट ये देख के बकरी ले जाते हैं और ऑनलाइन में भी यही देखते हैं, मेजरमेंट में कान का नाप देते हैं हाइट का नाप देते हैं। इसका कोई इलाज भी नहीं है, कोई देसी ट्रीटमेंट? इसका तो अब कोई इलाज नहीं है, वैसे 90% इलाज नहीं है लेकिन 10% लोग इसको है ना अगर बिल्कुल लाइट डाइट पे रखते हैं, सिर्फ चारे के ऊपर रखो इसको, ग्रेजिंग पे ले जाओ इसको, भ्रमण कराओ, हो सकता है इसकी चर्बी पिघल जावे और ये कमजोर सी हो जावे एक बार तो गर्भ धारण कर सकती है, प्रेग्नेंट होने के बाद इसको भरपूर खिला सकते हो,
फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इनमें दिक्कत क्या होती है, कोई अंदरूनी हाँ, बच्चेदाने के अंदर चर्बी बढ़ जाती है इनकी। अच्छा। तो बच्चेदाने की साइज छोटी हो जाती है। अच्छा। ठीक है, उसमें इनके इनके जो बच्चे गर्भ धारण करने के लिए अंडे बनाने के लिए जो नाड़े होती है वो नाड़े ब्लॉकेज हो जाती है गर्भ ठहरने। हाँ, गर्भ ठहरने के लिए जो आइटम मिलता है ना बच्चेदाने में बच्चों को, वो नाड़े ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होने की वजह से ये गर्भ धारण नहीं करती। बाकी ये कुदरती जन्म से बांझ नहीं है, लेकिन हो जाती है वो चर्बी बढ़ने से। ये और हीट के ऊपर बराबर आएगी, हीट पे आएगी, लक्षण सब है इसमें, सिर्फ ब्लॉकेज होगी नाड़े, गर्भ धारण नहीं कर, गर्भ धारण नहीं कर रही, क्रॉस हो रही है, लेकिन वो जो शुक्राणु है ना उनको पनपने के लिए कुछ आइटम चाहिए बच्चेदानी के अंदर, वो आइटम इनको वहां पहुंच नहीं रहे, इस वजह से ये बांझ। कुछ लोग इस प्रॉब्लम में सोचते हैं कि अपने ब्रीडर में कमी है, ब्रीडर हाँ ब्रीडर चेंज कर लेते हैं, लेकिन बकरी रह जाती है, आखिर बकरी को भी कट्टू में कमी होती है वो इसमें बकरी में। और ये बकरियां सस्ते में मिल जाती है, और लोग बाग ज्यादातर ना इसी बकरियों का ट्रेडिंग करते हैं ऑनलाइन। अच्छा, तो इसमें मतलब देख के लेनी चाहिए। आज इसको मैं ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ तो ये मेरी कम से कम 20,000 में बकरी बिक जाती है, कम से कम, क्योंकि व्हाइट आइज है, स्किन गुलाबी है, अब ये ठीक है बकरी, ऐसे कमजोर नहीं है, अभी तो वैसे भूखे पेट है, सुबह सुबह वीडियो शूट कर रहे हैं, भूखे पेट है तो ये थोड़ी दिख रही है, दिन में खाने पीने के बाद ये हेल्थी दिखती है। ठीक है, तो अब ये बकरी 20,000 में बिक जाती है, अगला आदमी को मैं क्या बोलूंगा, झूठ बोलना है तो भाई एक महीने की लोडेड है, डेढ़ महीने की लोडेड है, और ऑनलाइन बकरियां वही आती है एक डेढ़ महीने की लोडेड बोल के देते हैं, माशाल्लाह क्वालिटी, ठीक है ये बोल के देते हैं, फिर ये 2.5 से 3 महीने 4 महीने तक अगला आदमी इसको अच्छी डाइट देता है। जैसे ही वो डाइट देगा तो मेरे यहाँ तो बांझ थी, मैंने तो इसकी कोई केयर नहीं की खास, अब वो अगला आदमी इसको अनाज खिलाएगा, अच्छा चारा खिलाएगा, तो ये हेल्थ करेगी, हेल्थ करेगी तो अगले को महसूस होगा मेरी बकरी प्रेग्नेंट है, इसका पेट मोटा हो रहा है। ठीक है, और जब जब 5 महीने हो जाते हैं तो वो कमेंट करेंगे, आपका ये कमेंट आया था कि मेरी बकरी 6 महीने की प्रेग्नेंट है और अभी तक बच्चा नहीं दिया है ना, तो वो कमेंट आएगा कि मेरी बकरी 6 महीने की प्रेग्नेंट है, बच्चा नहीं दे रही, प्रेग्नेंट नहीं है यार, ये सिर्फ खा पी के मोटी ताजी हो रही वो है, किसी के झांसे में आके ले। फिर वो आखिर वो क्या करते हैं, वो इस बकरी को कट्टू में भेजते हैं, कट्टू वाले उसको ले जाके कहाँ देंगे, मंडी के अंदर, और मंडी से वही मेरे जैसा कोई बंदा जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाला, वो इसको वापिस पकड़ के लाके अपने फार्म में खड़ी करके माशाल्लाह टॉप क्वालिटी, वो ऐसे घूमती रहेगी, ये घूमती रहेगी, ये बच्चा किसको देगी, ट्रेडिंग करने वाले मेरे को ये बच्चा देती रहेगी, जितनी बार आएगी और बिकेगी तो आता जाएगा। ये मंडी में मेरे को मिलती है 250 रुपए किलो, तो आज इसका वजन होगा यही कोई 35 किलो, ठीक है, 7,500-8,000 की बकरी है मंडी में, वहां से 7,000-8,000 में लाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से 20,000 में बेचता हूँ, तो मेरे को तो बच्चा दे दिया, मेरे लिए ये ब्याती है, किसके लिए नहीं ब्याती, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग शॉप पे बैठ के कर रहा है उनके लिए ये नहीं ब्या रही, उनको 20,000 में खरीद के 5-7,000 खिला के और वापिस 7,000 में बेचनी पड़ती है और फिर वापिस मेरे पास आ जाती है। ऐसे लोग मतलब है ना भ्रमित हो रहे हैं, ठगी के शिकार हो रहे हैं। बकरी ऐसी लो, बकरी को सबसे पहले पूंछ देखो कि पूंछ की तरफ से ब्याएगी तो बच्चा आएगा, प्रोडक्ट अपने घर आएगा तो अपने को मुनाफा मिलेगा। और इसके अलावा और भी कोई दिक्कत हो जाती होगी ब्याने में, वो तो अलग टॉपिक पे दूसरी वीडियो में बात कर लेंगे। देखो एक बार ब्या गई है, दूसरी बार क्रॉस नहीं हो रही है, वो इसकी अंदरूनी कोई इनको इन्फेक्शन हो जाता है, वो एक मजबूरी है, वो अलग दिक्कत है। लेकिन बकरी खरीदते वक्त एक तो पहली बात, ऐसे आदमी से बकरी लो कि जिसको अपन जानते हैं थोड़ा बहुत, विश्वास होना चाहिए, और अगर अपन नहीं जानते हैं तो अपना ऐसा कोई बंदा बीच में लो जो आपको भी जानता, खरीदार को भी जानता है और बेचने वाले को भी जानता है, वो गारंटी ले के भाई साहब इस आदमी से आप माल ले सकते हो, आपके साथ अगर इसमें बकरी में कोई धोखा हुआ तो आपका रिकवर करवाएंगे। तो मैं जो मेरे घर का जानवर बेचता हूँ पूरी गारंटी लेके बेचता हूँ, मेरे घर से बंद बकरी बांझ बकरी देखो निकल तो सकती है, नहीं कोई ध्यान में नहीं आया तो मैं बेचता नहीं, लेकिन रिपीटर या बंद हो जाती है, एक बार दो बार बच्चे दिए बाद में वो रिजेक्ट हो जाती है, खाने पीने के कारण कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं कह सकते, ठीक है, इंसान में भी होता है, दो बच्चे हो जाते हैं उसके बाद में बच्चे होने बंद हो जाते हैं, ठीक है, और लास्ट में 60 साल की उम्र में एक बच्चा और हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ है बुजुर्ग लोगों में, तो ये हो तो जाता है, लेकिन उसकी गारंटी लेते हैं, अगर उसको अपन ब्याने वाली सक्षम बकरी के भाव से बकरी दी है और 6 महीने तक उन्होंने ना प्रेग्नेंट हुई ना ब्याई, तो उस बकरी को हम सेम रेट में प्लस खाना खर्चा उसको और रिटर्न करके बकरी वापिस लाएंगे और फिर कट्टू में बेचेंगे, इतनी गारंटी देके हम बकरी बेचते हैं। तो ऐसा कोई गारंटी देके जानवर बेच रहा है वहां से आप बकरी लो, उसमें आपको घाटा नहीं होता।
लेकिन जो ऑनलाइन खरीद लिया उसको फोन करेंगे उठाएगा भी नहीं, उसका बीच में कोई गारंटर भी नहीं है, उनके साथ में फिर धोखा होना सर, वो सस्ते के चक्कर में होता है। मोबाइल नंबर हाँ, बता दो। अब मैं मेरे मोबाइल नंबर आप डाल देना स्क्रीन पे, 8690 39 41 75। ठीक, मैं उसमें वीडियो में डाल दूंगा। जी जी।